कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसे भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं। इस दिल को समझाए कोई, अरमान आँखें खोल दे, रुसवा न हो जाए कोई, पलकों की ठंडी सेज पर सपनों की परियां सोती है, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसे भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा कुछ भी जीवन तो सुना ही रहा, सब समझे आई है बहार, कलियों से कोई पूछता हंसती है वो या रोती है, ऐसी भी बातें से भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना कुछ भी नहीं। मुझे ये एक एक गीत याद आ रहा है, फिल्म शर्मीली का, नीरज साहब ने जिसे लिखा था और सचिन देव बर्मन साहब ने सरबत किया था। इसमें देखिए पंचम से शुरू होता है गीत और षड्श पे आके सम आती है उसकी। खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को खिलते
हैं गुल यहाँ। कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का। कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का। चार पल मिले जो आज प्यार में गुजार दे, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ। दो दीवाने, दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं। दो दीवाने, दो दीवाने, हाँ दो दीवाने, हाँ दो दीवाने। वाह, है तो धानी ही वैसे। और एक दूसरा गीत मुझे याद आ रहा है, जो कि है तो भीमपलास का ही, शुद्ध लगभग शुद्ध भीमपलास है। यह है फिल्म बादशाह का गीत, जो हसरत जयपुरी साहब ने लिखा था और शंकर जी किशन ने जिसे सुरोध किया था। हेमंत कुमार और दीदी लता जी ने गाए थे इसे। नीले गगन तले प्यार हम करे, नीले गगन तले प्यार हम करे, खिल मिल के प्यार का इकरार हम करे। नीले गगन तले प्यार हम करे, दो जान है हम ऐसे मिले एक ही हो जाए, ढूंढा करे दुनिया हमें हम प्यार में खो जाए। बेचैन बहारों को गुलजार हम करे, जा बसा है
अभी इस आज के इस प्रोग्राम के अब तक के सफ़र में हमने ये एक बात भी गौर की कि ना ही सिर्फ विषयों को लेकर विविधता है, लेकिन जैसा मैंने अभी फिल्म संगीतकारों के बारे में कहा, इस गीत का देखा जाए तो नूर थोड़ा अलग है। ये जो नायिका है ये कह रही है कि मुझे थोड़ा सा आंसुओं से प्यार हो चुका है, हाँ मुझे इतनी खुशी की आदत नहीं है, तो इसलिए मुझे ये खुशी मत दो, ये वो अपने दिल से कह रही है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो दिल में बसा हुआ भगवान होता है उससे कह रही हो, उससे कह रही है कि मुझे चुप रहने की आदत हो चुकी है, खामोशी की आदत इतनी हो चुकी है कि मुझे नया सुर नई बांसुरी मत दो, मुझे निराशा की इतनी आदत हो चुकी है कि मुझे आशा मत दो, क्योंकि मेरा दिल घबराता है, डरता है। तो ये एक अलग थोड़ा सा भाव है। बहुत खूबसूरत गीत है फिल्म कोहरा का, हाँ कैफी आजमी साहब ने इसे लिखा था और हेमंत कुमार ने संगीतबद्ध किया था और दीदी ने गाया था। ये जो दूसरा गीत है ये बिल्कुल इसके बाद वाला आविष्कार है प्रेम का, और अब ये नायिका कह रही है कि दिल में तुझे बिठा के कर लूँगी मैं बंद आँखें और फिर पूजा करूँगी तेरी, हाँ। ये फिल्म फकीरा का गीत है, रविंद्र जैन साहब ने जिसे स्वरबद्ध किया था और दीदी ने ही गाया था। अब इस गीत में रविंद्र जैन साहब ने गंधार पे कुछ इस तरह से सम को रचा है। गंधार, कोमल गंधार पे सम तो आप हम लोग जानते हैं कि आरोह आरोह ही सम, आरोह में जी आना लाजमी है जी, हाँ आती है। इसमें अवरोह ही आके क्या बात, गंधार कोमल गंधार पे रुकता है गीत, वाह, और ये बड़ा ही लुभावना बनता है, वाह। इस राग की खासियत श्रोताओं ये है विशेषता कि ऐसा करने के बावजूद इसमें ये एहसास नहीं होता कि ये कहीं उल्टा हो गया है, ये कहीं अभी लटका हुआ है, ऐसा हमें एहसास बिल्कुल ही नहीं होता, हमें पता भी नहीं चलता कि कुछ इस तरह से हुआ। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी होके रहूंगी तेरी, दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी होके रहूंगी तेरी। तो देखा आपने के नरारा घरे सा, बहुत ही मीठा लग रहा था, सामा मगा यहाँ पे आके लुकता है और फिर भी ऐसा महसूस नहीं होता कि कहीं लटका हुआ है जी, कहीं आधा अधूरा रह गया, ये नहीं सस्पेंडेड है ऐसा लगता नहीं।
अब विषयों का जहाँ जिक्र आता है जी, वहाँ एक गीत मुझे थोड़ा सा अलग विषय में है, जो कि है फिल्म आबे हयात से, जिसे हसरत जयपुरी साहब ने लिखा था और सरदार मलिक ने जिसे संगीतबद्ध किया था। ये हेमंत कुमार ने गाया हुआ गीत है। मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की जुबान, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की जुबान, बेकसों के लिए प्यार का आशिया, बेकसों के लिए प्यार का आशिया, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की जुबान, बेकसों के लिए प्यार का आशिया, बेकसों के लिए प्यार का आशिया, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की जुबान, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की जुबान। एक गीत प्यार का, बिरहा का, जिसमें प्यार से जरा, जिसे हम लोग कड़वा कहें, ऐसा अनुभव पाने के बाद जो एक नायक अपने आप से कह रहा है, यह फिल्म ठोकर का गीत। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं। ये जो ऋषभ का प्रयोग है, ये सुनकर मुझे एक दो गीत हिंदी फिल्म सॉन्ग्स याद आ रहे हैं, हिंदी फिल्म गीत। एक तो है मदन मोहन साहब ने कंपोज किया और साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा हुआ, बहुत ही हसीन गीत है, चांद मध्यम है आसमां चुप है, नींद की गोद में जहां चुप है, चांद मध्यम है आसमां चुप है, नींद की गोद में जहां चुप है, चांद मध्यम है आसमां चुप है, नींद की गोद में जहां चुप है, चांद मध्यम है आसमां चुप है। ये और एक गीत है जो के है फिल्म स्त्री से, जिसे सी रामचंद्र जी ने, रामचंद्र चितलकर जी ने स्वरबत किया था। ये भी धानी का एक आविष्कार है। ओ, निर्दयी प्रीतम, ओ, निर्दयी प्रीतम, प्रणय जगा के हृदय चुरा के चुप हुए क्यों तुम, और एक दो गीत याद आ रहे हैं। ये जो गीत है ये है दिल तेरा दीवाना से, शंकर जय किशन की धुन, और इसकी इसका थोड़ा सा अलगपन ये है कि झपताल अक्सर हिंदी गीतों में उतना नहीं बजाया जाता या इस्तेमाल किया जाता, जितने के दादरे हैं या रूपक हैं या केरवा हैं। मासूम चेहरा ये कातिल अदाएं, मासूम चेहरा ये कातिल अदाएं, के बेमौत मारे गए हम बेचारे, मासूम चेहरा ये कातिल अदाएं, के बेमौत